हेलो एंड वेलकम बैक भाई लोग, स्वागत है आप सभी लोग का ट्राई बॉय यूट्यूब चैनल के एक और ब्रांड न्यू धमाकेदार वीडियो में। भाई लोग, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ फ्री फायर के कुछ ऐसे खतरनाक बग या कुछ ऐसे ग्लिचेस या कुछ ऐसे टिप्स और ट्रिक जिनको देख के आप भी बोलोगे क्या बात है। तो भाई लोग, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो या आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हो तो भाई लोग हमारी वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन बेल कॉल पे सेट कर देना, क्योंकि इस चैनल पे आपको ऐसी बहुत सारी वीडियो देखने को मिलती रहती है। हाँ, पिछली वीडियो की तरह इस वीडियो में भी एक 400 रुपए का रिडीम कोड है जो कि आपको वीडियो के बीच बीच में इस जगह पे देखने को मिल जाएगा। तो भाई लोग, चले बिना टाइम वेस्ट के आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो भाई लोग यार, जो हमारी पहले नंबर की ट्रिक होने वाली है उसके लिए आपको आ जाना है लॉबी में, और भाई लोग लॉबी में आने के बाद आपको चले जाना है मोड में, और भाई लोग यहाँ पे आने के बाद आपको बिग हेड मोड सेलेक्ट कर देना है। यार, बिग हेड मोड सेलेक्ट करने के बाद आपको सिंपली गेम स्टार्ट कर देना है, और भाई उसके बाद जैसे आप अंदर गेम में चले जाओगे उसके बाद आपको जोन के बाहर जंप कर देना है। भाई लोग, जोन के बाहर आपको किसी भी पुल में या किसी भी घर के छत में लैंडिंग करनी है, पर भाई लोग वो पूरा का पूरा जोन के बाहर होना चाहिए तभी ये वाली ट्रिक वर्क कर पाए। भाई लोग, जैसे आप किसी भी पुल के ऊपर या किसी भी घर के छत के ऊपर लैंडिंग करोगे तो भाई लोग उसके बाद आप उसी जगह पे अटक जाओगे, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। भाई लोग, आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मैं इस छत के ऊपर अटक चुका हूँ, और भाई लोग यहाँ से मैं नीचे नहीं आ पा रहा, जो कि देखने में बहुत ही ज्यादा फनी और खतरनाक लग रहा है। भाई लोग, ये वाली ट्रिक आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से बताना। तो भाई लोग, चले बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट वाली ट्रिक की। तो भाई लोग, जो हमारी दूसरे नंबर की ट्रिक होने वाली है उसके लिए आपको आ जाना है बॉम्ब स्क्वाड मोड में, और भाई लोग जैसे आप बॉम्ब स्क्वाड मोड में आ जाओगे उसके बाद आपको ये वाला बॉम्ब उठा देना है। और भाई लोग, जैसे आप ये वाला बॉम्ब उठा दोगे उसके बाद आपको बॉम्ब को सेट करने चले जाना है, और भाई लोग जैसे यहाँ पे 3-4 सेकंड बच जाएंगे उसके बाद आपको बॉम्ब को सेट कर देना है। भाई लोग, जैसे यहाँ पे टाइम खत्म हो जाएगा उसके बाद आप ये वाला राउंड हार जाओगे, और भाई लोग आप दूसरे राउंड में चले जाओगे। भाई लोग, जैसे दूसरा राउंड स्टार्ट हो जाएगा उसके बाद आपको फिर से ये वाला बॉम्ब उठा देना है, और भाई लोग जैसे आप ये वाला बॉम्ब उठा दोगे उसके बाद आपको फिर से उसी जगह पे चले जाना है जहाँ पे आपने पहले बॉम्ब लगाया होगा। तो भाई लोग, जैसे आप उस जगह पे फिर से वापस चले जाओगे तो उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे पहले से एक बॉम्ब लग रखा है और यहाँ पे आपको दूसरा बॉम्ब लगा देना है। तो भाई लोग, इस वाली ट्रिक को करके आप यहाँ पे एक जगह पे दो दो बॉम्ब लगा सकते हो, जो कि इम्पॉसिबल है। भाई लोग, यहाँ पे दो बॉम्ब को लगाते हुए अगर आपका दोस्त या आपका एनिमी आपको देख लेता है तो वो एकदम से हैरान हो जाएंगे और एकदम से डर जाएंगे। भाई लोग, अगर यहाँ पे आपका एनिमी बॉम्ब को डिफ्यूज करने आएगा तो भाई लोग एकदम से हैरान हो जाएगा यार, वो एकदम से सोच में पड़ जाएगा कि किस वाले बॉम्ब को डिफ्यूज करूं। तो भाई लोग, ये वाली ट्रिक आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से बताना। तो भाई लोग, चले बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट वाली ट्रिक की। और तो भाई लोग, जो हमारी तीसरे नंबर की ट्रिक होने वाली है उसके लिए आपको आ जाना है लॉबी में, और भाई लोग लॉबी में आने के बाद आपको चले जाना है मोड में, और मोड में आने के बाद आपको बिग हेड मोड सेलेक्ट कर देना है। भाई लोग, जैसे आप बिग हेड मोड सेलेक्ट कर दोगे उसके बाद आपको सिंपली अपना गेम स्टार्ट कर देना है। भाई लोग, जैसे आप गेम स्टार्ट कर दोगे और उसके बाद जैसे आप अंदर गेम में चले जाओगे तो भाई लोग उसके बाद आपको सिंपली किसी भी एक जगह पे उतर जाना है। भाई लोग, उसके बाद जैसे आपके पास पैराशूट को ओपन करने का ऑप्शन आएगा तो भाई लोग उसके बाद आपको पैराशूट को ओपन कर देना है। तो भाई लोग, जैसे आप पैराशूट को ओपन कर दोगे उसके बाद आपको सिंपली अपना इंटरनेट ऑफ कर देना है, और भाई लोग जैसे आप अपना इंटरनेट ऑफ कर दोगे उसके बाद आपको सिंपली पूरा का पूरा नीचे उतर जाना है। तो भाई लोग, जैसे आप नीचे जमीन में पहुंचने वाले होंगे उससे पहले आपको अपना इंटरनेट ऑन कर देना है, और भाई लोग उसके बाद आप जैसे जमीन में पहुंच जाओगे उसके बाद आपको अपनी गन का स्कोप ऑन कर देना है, और उसके बाद आपको फायर करते रहना है। भाई लोग, उसके बाद जैसे आपका पिंग नॉर्मल हो जाएगा या आपका इंटरनेट सही तरीके से चलने लगेगा तो भाई लोग उसके बाद आप फिर से ऊपर आसमान में चले जाओगे। भाई लोग, जैसे आप फिर से ऊपर चले जाओगे तो उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मैं स्कोप ऑन करके लैंडिंग कर रहा हूँ। भाई लोग, आप यहाँ पे मेरे पैराशूट को देख सकते हो, यहाँ पे मैंने उसको पकड़ भी नहीं रखा पर फिर भी वो ऐसा लग रहा है जैसे कि उसको यूज करके कोई नीचे उतर रहा हो। भाई लोग, इस वाली ट्रिक को करके अगर आप वीडियो बना के अपने दोस्तों को दिखाते हो तो भाई लोग वीडियो देख के आपके दोस्त एकदम से हैरान हो जाएंगे। तो भाई लोग, ये वाली ट्रिक आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से बताना। तो भाई लोग, चले बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट वाली ट्रिक की। तो भाई लोग, जो हमारी चौथे नंबर की ट्रिक होने वाली है उसके लिए आपको एक मैकलरन वाली कार की जरूरत पड़ने वाली है, जो वाली कार अभी मेरे पास है। तो भाई लोग, इस वाली कार की जरूरत आपको भी पड़ने वाली है। तो भाई लोग, इस वाली कार को लेके आपको आ जाना है पोचनोक की हवेली पे, और भाई लोग जैसे आप हवेली पे आ जाओगे उसके बाद आपको हवेली के इस वाली साइड आ जाना है, और भाई लोग आपको इस वाली साइड पे आने के बाद आपको कार को कुछ इस तरीके से इस बॉक्स पे सेट कर देना है। तो भाई लोग, आपको भी पूरा का पूरा इस वाली कार को इस बॉक्स पे चिपका देना है, और भाई लोग यहाँ पे बीच में थोड़ी सी भी खाली जगह नहीं बचनी चाहिए, नहीं तो ये वाली ट्रिक वर्क नहीं कर पाएगी। तो भाई लोग, जैसे आप यहाँ पे इस वाली गाड़ी को इस बॉक्स पे चिपका दोगे उसके बाद आपको गाड़ी से उतर जाना है, और उसके बाद आपको गाड़ी में एंटर करना है, और उसके बाद आपको गाड़ी से फिर से उतर जाना है। और भाई लोग, जैसे आप गाड़ी से उतर जाओगे उसके बाद आप इस बॉक्स के अंदर घुस जाओगे। तो भाई लोग, जैसे आप इस बॉक्स के अंदर घुस जाओगे उसके बाद आप यहाँ पे अपनी रैंक आराम से पुश कर सकते हो, और बहुत ही कम टाइम में आप ग्रैंड मास्टर जा सकते हो, और भाई लोग यहाँ पे आपको कोई भी नहीं मार सकता। और भाई लोग, आपको यहाँ से फायर नहीं करना है, आप जैसे यहाँ से फायर करोगे तो उसके बाद आप यहाँ पे एलिमिनेट हो जाओगे। तो भाई लोग, ये वाली ट्रिक आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से बताना। तो भाई लोग, चले बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट वाली ट्रिक की। और भाई लोग, जो हमारी पांचवें नंबर की ट्रिक होने वाली है उसके लिए आपको आ जाना है ट्रेनिंग ग्राउंड में, और भाई लोग यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ से कोई एनिमेशन वाली गन ले लेनी है जिसपे कोई लाइट या इफेक्ट वगैरह आता
हूँ। तो भाई लोग अगर आपके पास कोई भी इफेक्ट वाली गन नहीं है तो कोई बात नहीं है, क्योंकि ये वाली ट्रिक बिना इफेक्ट वाली गन के भी वर्क करती है। तो भाई लोग जैसे आप यहाँ से गन ले लोगे उसके बाद आपको सिंपली चले जाना है सोशल जोन में, और भाई लोग जैसे आप सोशल जोन में चले जाओगे उसके बाद आपको इस वाली साइड चले जाना है। भाई लोग जैसे आप इस साइड आ जाओगे उसके बाद आपको यहाँ पे तीन पेड़ देखने को मिलते हैं। तो भाई लोग आपको भी इन तीन पेड़ों के सामने पे रुक जाना है। भाई लोग जैसे आप यहाँ पे रुक जाओगे उसके बाद आपको अपना कैमरा लेफ्ट या राइट साइड घुमाना है, और भाई लोग जैसे आप अपना कैमरा घुमाओगे तो भाई लोग उसके बाद आप यहाँ पे इनविजिबल हो जाओगे। भाई लोग जैसे आप यहाँ पे इनविजिबल हो जाओगे उसके बाद आपकी सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे गन वगैरह दिखाई देगी, और भाई लोग किसी किसी टाइम आपके गन का इफेक्ट वगैरह यहाँ पे दिखाई देगा जो कि देखने में बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रहा है। भाई लोग यहाँ पे अगर आप कोई भी लाइट वाला इमोट दिखाओगे तो उसके बाद आपकी सिर्फ और सिर्फ इमोट की लाइट दिखाई देगी, पर आपका इमोट यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं दिखाई देगा। भाई लोग इन पांच ट्रिकों में से आपको सबसे अच्छी कौन सी वाली ट्रिक लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से बताना, और भाई लोग उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। भाई लोग अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन बेल कॉल पे सेट कर देना, क्योंकि इस चैनल पे आपको ऐसी बग ग्लिचेस और टिप्स और ट्रिक के ऊपर वीडियो देखने को मिलती रहती है। अगर आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दोगे तो आप हमारी सभी वीडियो सबसे पहले देख पाओगे। तो भाई लोग चले मिलते हैं अगले ऐसे और धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।